मेरी सारी लाया जाएगा मैं तो मतलब बीमार हो जाऊंगा। ये हम सब ना सॉक्स कर लेंगे, ये ना दिखेगा कि हमारा ओरिजिनल पैरों का रंग कैसा है। जहाँ तक फैशन होता है बस यहाँ तक गया था। तो दो हमारे ये हीटर हैं और इनका इस महीने कितना बिल आया है, तो ये आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपके साथ मैं पुराना बिल भी अपना शेयर करूंगी और जो इस महीने नया बिल आया वो भी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं तैयार हो गई हूँ और मुझे जाना है बाजी फाखरा की तरफ। अच्छा, हम तीनों बहनें मिलकर करने जा रही हैं चैलेंज, लेकिन वो जो चैलेंज होगा वो बाजी फाखरा के चैनल के ऊपर आएगा, ठीक है? मैं बस तैयार हुई थी और मैंने कहा चलें साथ में व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और बच्चे सोए में, इब्राहिम सुबह उठ गया था और जब आमना ने उनका दसने जाना था, ठीक है? और आमना अभी तक सोई हुई है, वो भी अभी सो रही है, ये देखें वो भी उठी कोई नहीं है। मेरा दिल है तकरीबन 3:30 बज गए हैं और मेरा दिल है अब इनको उठाती हूँ, क्योंकि रात को फिर सोते नहीं है, बहुत तंग करते हैं। तो बस अब मलिक साहब आएंगे तो उनके साथ फिर निकलूंगी, छोटे छोटे सारे क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा दिल मुकदस भी जरा मुकदस जरा पीछे से बैठ के पढ़ लेना मेरे बच्चे, ठीक है? मलिक साहब आते हैं तो बस उनके साथ मुझे निकलना है, तो निकलूंगी तो फिर आपके साथ सारे क्लिप शेयर करूंगी, ठीक है? तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट। मैंने ये इलेक्ट्रिक फैन हीटर लिए थे तो आपने काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप भी जब आपका बिल आना है तो आपने लाजमी हमारे साथ शेयर करना है कि आपका बिल कितना आया है। आपको जैसे कि पता है कि ऊपर मुकदस के रूम के लिए भी मैंने ये एक हीटर लिया था और एक ये नीचे मैंने अपने रूम के लिए हीटर लिया था। तो दो हमारे ये हीटर हैं और इनका इस महीने कितना बिल आया है, तो ये आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपके साथ मैं पुराना बिल भी अपना शेयर करूंगी और जो इस महीने नया बिल आया वो भी शेयर करूंगी, ठीक है? मैंने कहा इतनी देर में मलिक साहब नहीं आते हैं, इतनी देर में ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चलें जी, अगर बिल की बात करें तो इशू डेट भी आप देख लें और ड्यू डेट भी देख लें। ये पिछले महीने दिसंबर का बिल था, ठीक है, हमारा जो हीटर के बगैर आया है, ठीक है? और बिल मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें, ये जी 5,379 रुपीज़ जो हमने जमा करवाने थे, ड्यू डेट नीचे लिखी हुई है, ठीक है? और जो इस महीने का बिल है वो इशू डेट भी देख लें और ड्यू डेट भी देख लें, 28 जनवरी लास्ट डेट है। और जो बिल आया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें, ये 7,399 रुपीज़, तकरीबन 2,000 का फ़र्क है। मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि कहें कि बहुत ही ज़्यादा, कि इतना ज़्यादा बिल नहीं आया है कि जितना कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर चलेगा तो जी इतना बिल आ जाएगा, 5,000 बिल आएगा, 10,000 बिल आएगा। मतलब ये सिर्फ कहने की बातें हैं और यकीन करें मेरा तकरीबन आप कर लें कि दिन में कोई 8 से 10 घंटे ये हीटर चलता है, ठीक है, ये वाला। और ऊपर मुकदस ने जब स्टडी वगैरह करनी होती है, जैसे सुबह मुकदस उठी है उसने रेडी होना होता है तो घंटा सुबह चलता है, फिर शाम के टाइम पे जब उसने स्टडी करनी होती है तकरीबन 3 से 4 घंटे फिर भी वो चलता है उसका, ठीक है? क्योंकि मैंने बच्चों को कभी नहीं रोका है इस चीज़ से, क्योंकि आपको पता है जितनी ज़्यादा ठंड है तो बीमार होने से बेहतर आगे भी आपको पता है हमारी हम सब की तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो मतलब उस लिहाज से इतना बिल नहीं आया है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बस जी मलिक साहब अब पहुँचने वाले होंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना फिर रास्ते में मिलती हूँ। सबसे पहले तो जी हम फ्रूट वाली शॉप पे आ गए थे, यहाँ पे मैंने फ्रूट वाली एक बास्केट बनवा ली थी, मुख्तलिफ़ किस्म का फ्रूट डलवा लिया था बीच में। और अच्छा, इब्राहिम उठ गया था लेकिन आमना भी सोई हुई थी, तो मुकदस को इसलिए मैंने घर पे छोड़ा था कि आमना इब्राहिम का ख्याल रखे, बहन भाइयों का। और साथ में मैंने उसे कहा था कि आप अपना थोड़ा सा पढ़ भी लेना, और अम्मी भी आपको पता जैसे कि घर पे ही थी, तो मलिक साहब बस छोड़ने के लिए आए थे। और ये जी बास्केट, ये बास्केट मलिक साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि लगती शादियों शुदियों वाली है, लेकिन वो कहते हैं दूसरी बास्केट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो जो ग्रीन कलर की प्लास्टिक की होती है। तो बस जी बिल्कुल अब्बा जी का और मेरा घर तकरीबन 10 मिनट के रास्ते पे है, तो फिर जी मलिक साहब ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया था। मैंने कहा हम केक ही ले आते हैं, मैंने कहा मुझे था कि सिर्फ हमने टाइम पे पहुंचना है। हम आ गए हैं बाजी के घर और बस चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं आप कौन विन करता है। ये चैलेंज जो होगा बाजी के चैनल पे आएगा, ठीक है? मेरे चैनल, हाँ जी, फाइनल उधर आपको पता चलेगा कौन जीतता है। मेरे चैनल पे और बाजी के चैनल को कौन नहीं जानता।
फोन भी जानता जल्दी से जो नहीं जानते वो जाए और जाके जाने फटाफट जाए और इनके चैनल पे जाके जानने क्यों। अच्छा जी बाजी ने मंगवाए हैं पिज्जे और दो दो मंचूरियन। चलिए हमने स्मॉल खुद मंगवाए हैं क्योंकि अब ये हमारे से हमारे से भी खत्म होने हमने आज तक। अच्छा थामने के लिए जरा आगे एक चीज वीडियो को परफेक्ट और अच्छा बनाने के लिए यकीन करें इतना ज़्यादा देर लग जाती है, टाइम लग जाता है, खुद अपने आप को भी हमने परफेक्ट दिखाना होता है, जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं उसको भी परफेक्ट दिखाना होता है। और अब आप ये देख लें कि हम सिर्फ थंबनेल की तस्वीर बनाने के लिए कभी यहाँ से ये चीज़ हटा रहे हैं, कभी हमारी सेटिंग नहीं थी ख़त्म हो रही, तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें सिर्फ थंबनेल की पिक्चर लेने में लग गए थे। ये देख लें, ये हमने एक पिक लेनी थी थंबनेल के लिए, तो इधर से ऐसे करो इधर से वैसे करो, देखने वाले को तो यही लग रहा होता है कि तो ये जी सिर्फ ला के बैठे हैं और खा पी के तो जी उठ गए हम, बस जी वीडियो बन गई है। ऐसे नहीं होता है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये अब जाके जी हमारी तस्वीर बनी थी सिर्फ थंबनेल के लिए, और अभी हमने पूरा चैलेंज करना था, बस जी इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बस फ़ौरन से जी हमने चैलेंज स्टार्ट कर दिया था। ये जी चैलेंज जो होगा हम तीनों सिस्टर का, ये रेमेडीज विद खानम चैनल बाजी फकरा का चैनल है, उस पे आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी मुकद्दस ठीक है, वो बस घर पे थी आमना इब्राहिम के पास, मैंने कहा था वो सोए में आप जरा पढ़ लो, बन गई चाय बस बन गई माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी। चले बस डाल देना ये कप भी लाइका ने निकाल लिया। अच्छा हम फिर बाहर बैठते हैं आप पहले हैं ठीक है। ये ना दिल करके हमारा ओरिजिनल पैरों का रख दिया, नहीं मैंने जी सॉक्स पहने हुए थैंक यू। हाँ जी थैंक यू, इस तरह कोई मीटअप हो गया और हमारा नहीं तो फिर वही वीकेंड का वेट करते हैं या किसी की बर्थडे। नहीं ऐसे ही है, मैंने फिर यही कहा, मैंने कहा फिर ऐसे दिन पढ़ते पढ़ते ना टाइम अंदर हो जाता है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं कोई वीडियो ना। सही किया नहीं चला ना, फिर जल्दी रखेंगे ना जाने। हाँ इस तरह कर लिया कभी। अच्छा जी हम हो गए हम फारिग और हम जा रहे हैं जी वापस, मतलब मलाइका इजीली पूरे आ गए, मलाइका और राशिद जो छोड़ेंगे घर छोड़ेंगे बच्चों को, मैंने पता नहीं मिलूंगी मैं। वर्किंग डेज जो होते हैं आपको पता है बहुत मुश्किल होते हैं, रिसेंट भी टाइम मिलता है कि आपको गेट टूगेदर करवाना है, लेकिन आज हमने बड़ी हिम्मत की हम घरों से निकले और हम पता नहीं किस तरह आए, कसम से काम बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता है अभी मैंने घर जाना है और मैंने किस तरह घर जाके अभी सारे काम करने हैं, अल्लाह को पढ़ाना है और सारा वीडियो फाइनल करनी है और इंशाल्लाह मैं इसीलिए वीडियो अपलोड करके आई थी। अच्छा मैंने कहा व्यूज बैठा ना अब वीडियो अपलोड कर। मलिक साहब तो सिर्फ जी मुझे ड्रॉप करने के लिए गए थे और ड्रॉप उन्होंने मुझे किया और वो वापस आ गए थे, उन्हें कोई काम था तो हमने बस वहाँ शूटिंग वगैरह की, सिस्टर ने जी टाइम वगैरह स्पेंड किया माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया बाजी के साथ, राशि के साथ, मलाइका भी आई हुई थी वहाँ पे क्योंकि उन्होंने साथ में शूटिंग वगैरह उन्होंने अपना व्लॉग्स शूट करना था। तो मेरा थोड़ा सा ये इशू हो जाता है कि आमना इब्राहिम छोटे हैं तो मुकद्दस उनके पास थी, नहीं तो मैं भी बच्चों को ले जाती साथ में। तो बस जी फिर राजा ने मुझे वापस ड्रॉप किया और थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बैठी थी, मैंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि चाय पी के जाएं लेकिन वो कहते हैं कि नहीं अभी चाय पीते थे बस अब मैं भी घर जाऊंगी क्योंकि हमजा और रुशा भी घर पे थे। तो बस जी अब मैं भी बच्चों के बस अब करने लगी थी, आमना को अब स्टडी वगैरह करवाऊंगी, मुकद्दस ने शुक्र है पीछे से अपनी स्टडी वगैरह कम्प्लीट कर ली थी। और चलें जी अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।